नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे रिक्रूटमेंट से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए सर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग को मेरे वीडियो का काफ़ी इंतज़ार रहा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आपको जैसे ही थंबनेल से पता ही चल रहा होगा कि मैंने ये वीडियो किस विषय पर बनाई है। जैसा कि दोस्तों कि ये LP छात्रों के लिए वीडियो है, और इसमें जो बच्चे अभी का नया ट्रेनिंग शेड्यूल क्या आना है उस पर हम चर्चा करेंगे। ज्वाइनिंग कब से होनी है, ये सारी चर्चाएं इस पर होंगी दोस्तों। जैसा कि बताना चाहूँगा आपको, इस पर मैं फुल एनालिसिस करके आया हूँ, और आपको बताऊँगा कि किन बच्चों का यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी और कौन किन बच्चों को अभी होल्ड पे रखा जाएगा। खासकर RRB गोरखपुर के स्टूडेंट्स के छात्रों के लिए फुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। चलिए मूव करते हैं अपनी वीडियो की ओर। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस में हैं, ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। बहुत सारी इस चीज़ में RRB गोरखपुर में बहुत सारी चर्चाएं निकल के आ रही हैं कि कुछ वैकेंसीज डिक्रीज हुई हैं या क्या हुआ है। इन सारी चीज़ों पर ये वीडियो मैंने आज बनाई है, उस पर फुल एनालिसिस किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। चलिए मैं एक एक करके ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूँ, फिर क्लियर करता हूँ कि कैसे क्या इस RRB गोरखपुर में चल रहा है। चलिए मूव करते हैं अपनी और फर्स्ट नोटिस की ओर। जो हमारा सबसे पहले आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि RRB ALP के छात्र जो हैं, गोरखपुर के छात्र हैं, उसमें 1377 का वहाँ पे पैनल RRB गोरखपुर ने दिया था। 1377 से वहाँ से सारी ऑफिशियल आपको मैं दिखाता हूँ क्या कैसे है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फर्स्ट पैनल की ओर। जो 1377 का पैनल निकाला था RRB गोरखपुर ने, उसमें से 1099 का उसने फर्स्ट डिवीज़न अलाटमेंट किया था। उसके बाद उसने 278 का डिवीज़न अलाटमेंट किया था। तो वो देख लेते हैं, ये वाली नोटिस है दोस्तों जहाँ पे उसने 1099 का डिवीज़न अलाटमेंट किया था। यहाँ पर दिखा लेते हैं, यहाँ पर मूव करते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1099 छात्र हैं, जिनमें से 405 उसने दिए थे बनारस को, 405 उसने देखो दोस्तों दिए थे बनारस को, और 317 दिए थे उसने इजनगर बरेली को, और 377 जो कैंडिडेट दिए थे उसने लखनऊ NER लखनऊ को यहाँ पे आवंटित किए थे उस। और ये टोटल जो थे 1099 दोस्तों थे, 1099 छात्र थे फर्स्ट डिवीज़न अलाटमेंट में। सेकंड डिवीज़न अलाटमेंट की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस तरीके से। इस पे यहाँ सारी लिस्ट है, सारे कैंडिडेट के नाम और रोल नंबर अंकित किए गए थे डिवीज़न अलाटमेंट में। फिर उसमें क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने एक और लिस्ट निकाली जिसमें 278 का डिवीज़न अलाटमेंट किया, वो भी नोटिस मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों ये 278 के फिर दोबारा जो है उन्होंने डिवीज़न अलाटमेंट किया था RRB गोरखपुर में, जिसमें से कुछ इज्जत नगर और बनारस और लखनऊ को कैंडिडेट डिवाइड करके दिए गए हुए थे, उसमें सारे ये उसी तरीके से हुआ था। बट आपको एक बता दें अब दोस्तों जैसा कि ये जो यहाँ पे 278 स्टूडेंट्स का यहाँ पे ये देख लीजिए नोटिस, थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है 278 स्टूडेंट्स का, और तीनों डिवीज़न में बांट दिए गए थे। और बट तीनों डिवीज़न में ये कैंडिडेट को वापस कर दिया गया था, कैंडिडेट का पैनल लेने से वापस कर दिया था कि मेरे पास जगह नहीं है, और जो 1099 स्टूडेंट्स को आवंटित किया गया था उन्हीं को समाहित करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ बात निकल के आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं नोटिस में क्या है, और ये सारी नोटिस दिखाने के बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, कितने बचे हैं, और नेक्स्ट कितने का पैनल अभी आना है या क्या होगा, वो सारी चीज़ें नोटिस बाई नोटिस जो है बताता चलूँगा। चलिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट नोटिस की ओर। दोस्तों हम लोग अपनी नई नोटिस पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये नोटिस दी हुई है, इसमें ये ट्रेनिंग शेड्यूल दे दिया गया था। जो 1099 स्टूडेंट्स का डिवीज़न अलाटमेंट हुआ था, इनमें से 405 बनारस को मिले थे, 317
इज्जत नगर को मिले थे और 377 कैंडिडेट लखनऊ को मिले थे। उन सभी का ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे बैच वाइज बना दिया गया था और यहाँ पे डेट वाइज देख लीजिए, यहाँ पे बैच भेजे जाने लगे थे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पहला 3 अक्टूबर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि 3 अक्टूबर को पहला बैच भेजा गया था, जिसमें से 80 कैंडिडेट लखनऊ से भेजे गए थे, 80 बनारस से और 80 इज्जत नगर से। इसी प्रकार यहाँ पे 240 कैंडिडेट फर्स्ट बैच में, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में भेजे गए थे 3 अक्टूबर को 2019 को। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सर, बैच बने हुए हैं और स्टूडेंट उसके बाद 120 120, यानी 40 40 बच्चों का स्लैब बना के ये ट्रेनिंग पर भेजा जाना था। ये सारी चीज़ का ये उन्होंने शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट नोटिस क्या आती है वो देखते हैं। सारी नोटिस आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूं कि क्या किस समय क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आरआरबी के गोरखपुर के बनारस डिवीज़न से एक नोटिस निकाली गई थी, मार्च तक सारे कैंडिडेट को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग उनको भेजा जा रहा था। मार्च के बाद जो भी ये सारी कुछ वैकेंसी डिक्रीज हुई, इधर कोरोना का प्रकोप आ गया, जिससे ट्रेनिंग शेड्यूल भी गड़बड़ा गया है और कुछ वैकेंसीज भी कुछ कम का मतलब डिक्रीज हुई है, ऐसा सुनने में मिल रहा है। तो आरआरबी बनारस डिवीज़न वाले ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक नोटिस निकाला था कि वहाँ से अप्रैल महीने से उनका 60 60 के बैच जाएंगे स्टूडेंट, मतलब अभी तक 40 40 जा रहा था लखनऊ, इज्जत नगर और बनारस से, अब 60 का बैच जाएगा इज्जत नगर से। मार्च के बाद कोई कैंडिडेट नहीं लिया गया था, लिया जाएगा ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक नोटिस आउट निकाली थी जिसमें बताया था कि मार्च के बाद अप्रैल से 60 60 कैंडिडेट को भेजेंगे लखनऊ और बनारस से। तो ये वो वाली नोटिस दोस्तों हैं। तो इस तरीके से ये नोटिस सारी मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी पे आपको पूरी एनालिसिस दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या चल रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप नेक्स्ट लेटेस्ट नोटिस। अब देखिए देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट बिल्कुल यहाँ पे नोटिस आई हुई है जो 17 अप्रैल 2020 को, यहाँ पे देखिए डेट दिनांक दिखा रहा है। इसमें यहाँ पे गोरखपुर तरफ से भेजी गई है लेट नोटिस, इसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे पास क्या है कि स्वीकृत पद जो हैं वो हैं 1583 लखनऊ में हैं, बनारस में 1685 हैं और इज्जत नगर में 778 हैं। टोटल 4046 मेरे पास स्वीकृत पद हैं। वास्तविक कर्मचारी कहाँ पे कितने काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लखनऊ में 1315 हैं, बनारस में 1170 हैं, इज्जत नगर में 561 हैं और टोटल 3046 कैंडिडेट यहाँ पे वास्तविक में इन डिवीज़न में अपॉइंट ऑलरेडी हैं। और रिक्तियाँ जो बची हुई हैं, पोस्टें बची हुई हैं, वो बता रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में 268, बनारस में 515, इज्जत नगर में 217, टोटल 1000 वैकेंसी। और हमारा पैनल जो था गोरखपुर का वो था 1377। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब 1377 में से 1099, जैसे मैंने बताया था, का इन्होंने पैनल निकाला, डिवीज़न अलाटमेंट किया और उनमें से ज्वाइनिंग प्रोसेस भी चालू है। उनमें से 1099 में से 1000 लगभग अभी स्टूडेंट्स उनको लेने ही लेने हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट बचते हैं उनका क्या होना है, वो मैं एनालिसिस आपको मैं अब कॉपी पे पेन से दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये सारी मैंने अभी तक आपको नोटिस दिखाई ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्या कहाँ से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने। जी दोस्तों, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिख रखी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब समझाता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। जैसा कि गोरखपुर जोन में 1377 का क्या हुआ था दोस्तों, उन्होंने पैनल निकाला था 1377 कैंडिडेट का। 1377 में टोटल 1099 का फर्स्ट अलाटमेंट किया था और 1099 में कहाँ कहाँ उन्होंने डिवीज़न अलाटमेंट किया था। BSB यानी बनारस में उन्होंने 405 कैंडिडेट दिए, इज्जत नगर में उन्होंने 317 दिए और लखनऊ में उन्होंने 377 दिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 1099 स्टूडेंट। फिर रिमेनिंग जो बचे 278, इन्होंने एक दूसरा पैनल निकाला, उसमें डिवीज़न अलाटमेंट किया, बट ये पैनल डिवीज़न अलाटमेंट तीनों डिवीज़न ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया कि हमारे पास इन्हीं बच्चों को भरने के लिए जगह नहीं है, तो मैं ये कहाँ से इनको
इसमें डालूंगा। तो इन कैंडिडेट अभी रुके हुए हैं, इनका अभी कुछ नहीं हो रहा है। पहले 1099 जिनका डिवीज़न अलाटमेंट हुआ था उनका यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उनके में क्या हुआ, अब ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हुआ, ठीक है सर। अब देखो ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हुआ, यहाँ पे बीएसपी में 405 थे, तो यहाँ पे अक्टूबर से यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर में ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हुआ था। 3 अक्टूबर से पहला बैच गया था, फिर दिसंबर में गया, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, उसके बाद अभी कोई बैच नहीं गया हुआ। तो अक्टूबर में 80 का बैच लिया था, 80 स्टूडेंट्स लिए इन्होंने बनारस से, 80 लिए इन्होंने इज्जत नगर से, और 80 लिए इन्होंने लखनऊ से। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 405 के ही इन्होंने बीएसबी में जो कैंडिडेट 1099 में दिए गए थे, उन्होंने 405 के सभी का डॉक्यूमेंटेशन करा लिया था, यानी ज्वाइनिंग करा ली थी। उसके बाद ट्रेनिंग शेड्यूल बन गया और ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाने लगा। और इज्जत नगर में 317 थे, पर उन्होंने 206 का ही ज्वाइनिंग कराया था, लगभग 110 स्टूडेंट्स रिमेनिंग बच गए थे। और लखनऊ में इन्होंने 377 थे, उन्होंने 377 को ही ज्वाइनिंग में डॉक्यूमेंटेशन कराया था और सबको ज्वाइनिंग कराई थी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग 80-80 सारे जो है बच्चे सारे डिवीज़न से अक्टूबर में गए, फिर 40 दिसंबर में गए, फिर जनवरी में 40-40 गए, फिर फरवरी में 40-40 गए, बट मार्च में 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे गए हैं आपके बनारस से, और 40 स्टूडेंट गए हैं लखनऊ से। और इज्जत नगर से सिर्फ एक कैंडिडेट गया था, क्योंकि उन्होंने 206 की ज्वाइनिंग कराई थी, और बाद जो ट्रेनिंग पर अभी तक भेजे जा चुके हैं 200 करीब 201 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग पे भेजा जा चुका। इस हिसाब से टोटल जो अभी तक ट्रेनिंग पे गए हैं आरआरबी गोरखपुर जोन से स्टूडेंट तीनों डिवीज़न से, तो वहाँ पे अब देख लेते हैं। अब इन्होंने ज्वाइनिंग कितनी की टोटल लोग की कराई थी यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल ज्वाइन स्टूडेंट हुए थे 988 के लगभग, यहाँ पे करेंगे तो 681 लगभग यहाँ पे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं तीनों डिवीज़न से। 988 में से 681 आखिर लेस कर देंगे तो 307 कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, जो 360 कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनको अभी आफ्टर लॉकडाउन उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, या जो भी नई नोटिस के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा, या उनका जो भी होगा कि यहाँ पे सुनने को मिल रहा है आरआरबी गोरखपुर में वैकेंसीज कम हो गई हैं, तो उनका जोन ट्रांसफ़र करने को सोच रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने आरआरबी गोरखपुर ने दिल्ली को लिखा भी है, और ऐसे सारी सारी नोटिस आई भी हैं और देखने को सुनने को मिल रहा है अन्य जगह से, तो इनका जोन भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस ये एनालिसिस अभी आप एक चीज़ लेटेस्ट न्यूज आरआरबी गोरखपुर ने निकाली थी कि हमारे पास 268 लखनऊ में हैं और 515 बनारस में हैं और इज्जत नगर में 217 हैं, टोटल 1000 ही पोस्ट हैं इन्होंने ये बताया। तो 1000 देखने को मिलता है यहाँ से, 1000 पोस्ट हैं, और इन्होंने टोटल तीनों डिवीज़न से अभी तक 988 का इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कराया है जिनको ट्रेनिंग पे भेजना है, ठीक है दोस्तों, समझे रहिएगा। अब यहाँ से इन्होंने 6 दिया कैंडिडेट हुए, आप सभी लोग होना चाहते इनको है। अब तो ये जैसे कि इसको कैटेगरी वाइज इसको सीट मिल रही है, तो उसको लखनऊ डिवीज़न में सीट चाहिए, और या बनारस का है या इज्जत नगर का है। फिलहाल इज्जत नगर से अब नया कोई कैंडिडेट नहीं जाएगा, यानी अब बनारस और लखनऊ से ही कैंडिडेट भेजे जाएंगे, ऐसा नोटिस में भी आपको मैंने दिखाया था, इसलिए पहले सारी नोटिस दिखा दी थी। तो 307 कैंडिडेट का इनका तो चाहे जोन ट्रांसफ़र करें या जो इन लोगों का डिवीज़न है उसमें इनको भेजा जाए, इन ये 307 कैंडिडेट बहुत ही सेफ हैं, आफ्टर लॉकडाउन इनको ट्रेनिंग पे भेजा जाना संभव है। बट इसके बाद 278 जो बचे हुए कैंडिडेट हैं और 110 जो इज्जत नगर से अभी रिमेनिंग बचे हुए थे जिनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, बट इनका इनका अलाटमेंट हो चुका है, तो इनका भी आफ्टर लॉकडाउन कुछ ना कुछ इनका आरआरबी गोरखपुर कुछ ना कुछ इसका करेगी, पर इनका आई एम इसमें मैं कोई श्योरिटी नहीं है कि इनका कब डिवीज़न अलाटमेंट हो या कुछ भी हो, बट ये 307 कैंडिडेट बहुत ही सेफ हैं, इनका हर हाल में इनकी ज्वाइनिंग, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इसका मैं बता नहीं सकता हूँ कितना समय लगेगा, बट इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग पे भेजना बहुत ही सिक्योर है और भेजा जाना संभव है। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी इस तरीके से बड़ी हो रही है, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे रोका हूँ और अपडेट आपको जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।